Hey guys, welcome or welcome back to my channel. And today I'm back with a vlog because I thought मैंने बहुत time से vlog नहीं किया. So let's vlog today and it's 25 of February today. So vlog day है, Sunday है, ठीक है. और अभी just मैं उठी हूँ. I just got freshen up and now I'm going for the breakfast. मुझे नहीं पता मम्मी breakfast में क्या बना रहे हैं. जाके देखते हैं and उसके बाद का सारा कुछ काम करेंगे आज. और यहाँ पे मेरे मम्मा बना रहे हैं मेथी वाले स्टफ परांठे, जो कि मुझे इतने खास कुछ पसंद नहीं है, बट यार मैं खा लेती हूँ. मम्मा बना ही लेते हैं थोड़े बहुत टेस्टी, मतलब काफ़ी बनाते हैं बट मेरे को थोड़े लगते हैं. उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक परांठे बन रहे हैं तब तक मैं इस मैसी रूम को, जो कि इस तरह का लग रहा है, थोड़ा सा कर लूँ मैं इसको सेट. सो मैंने सबसे पहले ब्लैंकेट किया, तो उतने में मेरी परांठी बन गई. तो मैं परांठी लेके डाइनिंग पे बैठ के उसे खाने के लिए, एंड जो परौंठी थी वो काफ़ी टेस्टी थी. सो मैंने मज़े लेके खाया. गॉट डन विद द ब्रेकफास्ट एंड टेस्टी था तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खा गई. बट नाउ आई एम लाइक मुझे फील हो रहा है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ा ओवर हो गया. सो अभी हम थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट. आई गोना डू ऑर्गेनाइज दिस बिकॉज ये बहुत मेरी वैनिटी में कबाड़ा हुआ पड़ा है. सो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन और कोई काम करते हैं. उसके बाद फटाफट से नहाना है बिकॉज समबडी इज कमिंग, तो मैं अच्छे से प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए. एंड दैट्स माई नेल व्हील, जो कि आजकल मैं सीख रही हूँ. लेट मी शो यू अच्छे से. ऐसे सो दिस इज वॉट आई एम डूइंग. दैट्स वाई मैं थोड़ी बिजी हूँ. व्लॉग्स ज़्यादा नहीं आते, वीडियोज ज़्यादा नहीं आती बिकॉज आई एम ऑन प्रैक्टिसिंग दिस. और ये भी मेरे पापा को मेरे नेल सीखने का इतना फायदा हो रहा है, ये सेट मेरे क्यूटिकल्स ही कट करते हैं. सो मैं अपनी कट लेके उनके क्यूटिकल्स कट करने जा रही हूँ. आधे से ज़्यादा दिन निकल गया और अब जाके मुझे याद आया डैट आई वॉज ब्लॉगिंग. मैं फटाफट से ना नहाने चली गई थी, उसके बाद में पापा के नेल्स करने के बाद में फिर मेरे पास क्लाइंट्स आ गए, मैं उनमें बिजी हो गई एंड आई फॉरगॉट डैट आई वॉज शूटिंग अ व्लॉग. सो आई एम बैक इज हेयर. और अभी ना मुझे अपना एक प्रॉपर क्या कहते हैं आउटफिट ट्राई करना है बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर टुमारो. वो भी इसी व्लॉग में आई विल शेयर बिकॉज अलग व्लॉग नहीं बन सकता बिकॉज आई फॉरगॉट टू व्लॉग द होल डे. तो कल वाला व्लॉग, मतलब अभी जो आगे वाला पार्ट है वो वाला व्लॉग जो होगा ना वो भी इसी में करूँगी. और उसके बाद अभी राइट नाउ आई हैव वेरी अर्जेंट थिंग टू डू, दैट इज आउटफिट को पहन के वेयर करके चेक करना डैट वो अभी भी फिट आ रही है, लूज है, क्या है, कैसी. एंड उसके साथ की अगर वो चल गई तो फिर ज्वेलरी निकालनी है, अगर नहीं चली तो फिर एक और आउटफिट निकालनी है, उसके साथ की ज्वेलरी निकालनी है एंड सो ऑन काम करना है. सो आई एम ट्राइंग दिस आउटफिट फॉर टुमारो. मुझे पहले लग रहा था ये ना लूज़ हो गई होगी बिकॉज मेरा वेट काफ़ी कम हुआ है, बट सम हाउ फिट है ही है. हल्का फुल्का सा ही प्रॉब्लम है, वो हम पिंस वगैरह लगा के सेट कर लेंगे. एंड दैट्स हाउ आई लुक. आई गॉट माई कलेक्शन हेयर, जिसमें थोड़ा बहुत मेरा चेन्स का भी मटेरियल पड़ा हुआ है. सो आई गोना ओपन इट एंड लेट्स सी किस में से निकलता क्या है. आई फाउंड टू मोर चेन्स फ्रॉम माई खजाना. दिस वन इज प्रॉपर गोल्ड गोल्ड वाला, मतलब सुंदर गोल्ड वाला, एंड दिस इज बिट सिल्वर रोज गोल्ड शेड में. ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये दोनों मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया. कल सुबह पहन के देखूंगी कि ये ज़्यादा अच्छी लग रही है ये वाली. दिस इज़ माई डिनर, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, मूँगी की दाल, हरी चटनी और चपाती. इट्स द नेक्स्ट डे और मैं फटाफट से सुबह उठ गई थी अराउंड 8:30. उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी ऑलरेडी कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी बिकॉज इट्स 10 o'clock एंड मेरे को 11:30 तक प्रॉपरली रेडी होके ना निकल जाना अपने घर से अपनी क्लास के लिए. सो ऑल्सो मैं एक चीज़ सोच रही थी डैट आई शुड जस्ट लिटल बिट स्ट्रेटन माई हेयर सो डैट इट लुक्स गुड एंड वेवी वेवी
जो आई हुई है और फ्रिजीनेस स्पेशली, वो थोड़ी टेम डाउन हो जाए, अच्छा भी लगेगा है ना मेरे सूट के साथ। आई विल शो यू हाउ आई एम गेटिंग रेडी। आई थिंक मे बी मैं गेट रेडी विद मी का शॉर्ट्स बनाऊँ। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने स्टूडियो अपने बालों को स्ट्रेट करने, और ये मैं नहाने से पहले कर रही हूँ, बिकॉज नहाने के बाद ना बाल गिल्ले विल्ले हो जाते हैं, और फिर पहले उन्हें ड्रायर करो, फिर उन्हें स्ट्रेटन अप करो, एंड बहुत ज़्यादा टफ काम हो जाता है और बाल और ज़्यादा उड़े उड़े लगते हैं। सो मैं पहले अपने बाल स्ट्रेट करूँगी एंड आफ्टर दैट आई गोना गेट रेडी। आई गॉट डन विद बोथ द साइड्स नाउ एंड दे लुकिंग नाइस, नॉट पिन स्ट्रेट बट नाइस। तो यप अब मैं रेडी हूँ, अब मैं जाऊँगी अपने बाकी का काम करूँ। मैं रेडी होने के बाद वीडियो शूट करना भूल गई, सो ये मैं कैब में बैठ के आराम से शूट करके दिखा रही हूँ, एंड दैट इज़ वेयर द क्लास वॉज, बट मैं क्लास बहुत अच्छे से नहीं कर पाई रिकॉर्ड। इंजेक्शन दे दो मेरे को, मैं लगा लूँ जो मैं खाया है। सो गाइज आई एम बैक होम अगेन, एंड ऐसे से मेरी हालत हो गई है, बहुत टाइम लग गया वहाँ पे, 3 घंटे की क्लास 5 घंटे की क्लास बन चुकी थी। उसके बाद आई गॉट सम गुडीज, फ्री गुडीज मिली हैं, एंड लेट्स ओपन एंड सी व्हाट्स इनसाइड इट। सो जुगाड़ मार के सेटअप रखा है फोन का, लेट्स ओपन। वी गॉट लिप क्रेयॉन फर्स्ट, लेट्स ओपन। एक तो ये बड़े हुए नेल्स की वजह से ना खोलना बड़ा औखा है। ओके आई थिंक द कलर इज ओके, दिस इज द शेड, सारा ही खोलना पड़ेगा। रेडी लग रहा है, अभी रहने देते हैं। सेकंड इज वाटर क्रीम विद विटामिन सी, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, ये मिला है, छोटे से क्यूट सा पैक मिला, दैट्स नाइस। उसके बाद व्हाट वी हैव, लिप एंड चीक टिंट इन बेस्ट पार्ट शेड। आई थिंक आई गोना ओपन दिस, कैसा लगता है ये वाला शेड। एनु खोलियो, मेरे नो करके खोल नहीं रहे, कड़ियल प्रोडक्ट केड़ा है, खोल दो खोल खोल, फाड़ना नहीं है खोलना। ग्लो सीरम हाँ आई गोना यूज इट। सो आई गॉट दिस प्रोडक्ट, दिस इज द ग्लो सीरम। ये जो प्रोडक्ट खुल नहीं रहा था अब खुला है, दिस इज लिप एंड चीक टिंट, और दिस इज इन दी शेड बेस्ट पार्ट, कलर बहुत अच्छा है इसका, आई लाइक द कलर। बस ये हमें 4 प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं, एंड ये प्रोडक्ट मैं परचेज करके आई हूँ बिकॉज आई लाइक दिस प्रोडक्ट, प्रॉपर अपने पे ट्राई टेस्ट करके आई हूँ, सो आई लाइक दिस वन। दैट्स माई टूडेज डिनर, दिस इज भाजी। मम्मी ने पाव भाजी बनाई है बट मुझे पाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो उसको मैं चपाती के साथ खाती हूँ। बस मैंने शो भाजी के लिए थोड़े से प्याज डाले बट मैं प्याज भी नहीं खा के राजी, और बटर उसमें पड़ा हुआ है वो तो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने हरी चटनी ली है विच इज़ माई फेवरेट, और इसके साथ टेस्टी भी लगेगी। सो दैट्स माई डिनर। इसके बाद मैं सो गई थी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।